के समक्ष क्लास 9 क्षितिज बुक से कबीर का पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को कबीर दास जी के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। कबीर दास जी का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। इनके माता और पिता का नाम नीरू और नीमा था। इनके गुरु का नाम रामानंद था। कबीरदास जी निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं। कबीरदास जी उस समय आए भारत में, पदार्पण उनका उस समय हुआ जब हमारे देश में मुस्लिम शासक आए हुए थे। चारों तरफ भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत जैसी विचारधाराएं फैली हुई थी। उस समय कबीरदास जी अपनी लेखनी के माध्यम से देश की जनता को जगाने का कोशिश किए हैं। हिंदू और मुस्लिम दोनों के विचारधाराओं पर प्रहार करते हुए हिंदू और मुस्लिम दोनों को वो कड़ी डांट लगाए हैं। ढोंगी, पाखंडी जो गेरुआ चोला पहन करके अपना साधु संत का वेश धर के पूरे भारत देश की जनता को ठग रहा था, उस पर बाह्य आडंबरों पर करारी चोट किए हैं। कबीरदास जी हिंदू को भी फटकारे हैं और मुसलमानों को भी। हिंदू को उन्होंने कहा, माला फेरत जुग गया, मिटा न मन का फेर, कर का मन का छार के मन का फेर। इसी तरह उन्होंने मुस्लिम को भी कहा है, दिन भर रोजा रहत है, रात हनत है गाय, ताचर मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। उनका कहना यह है कि सत्य जो है सत्य के रास्ते पे चलो। इस तरह से जाति पाति का भेदभाव करके कुछ भी नहीं मिलने वाला है। भगवान एक होते हैं, गुरु एक होते हैं और उस पर विश्वास करो और गुरु भगवान प्राप्ति का जो रास्ता है सही रास्ता, वो सही रास्ता हमें अपनाना चाहिए, न कि ये भेदभाव वाली रास्ता अपनाना चाहिए। कबीर की भाषा अनमेल खिचड़ी है, यानी राजस्थानी, पंजाबी, अरबी, फारसी, गुजराती आदि। इनकी रचनाएं बीजक, रमायणी, शबद आदि है। प्रस्तुत इनकी रचनाएं साखी में कबीरदास जी कहते हैं, साखियां अब मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ। साखी में कबीरदास जी कहते हैं, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उर अनत न जाहे। यानी मान सरोवर से लबे लबालब जल में क्रीड़ा कर रहे हैं हंस। कहने का मतलब ये है कि हंस जो है मान सरोवर का मतलब हुआ हिमालय पर स्थित एक पवित्र सरोवर है जिसमें हंस उसमें खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। हंस के लिए करा है, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उर अनत न जाए। वे मुक्त भाव से सरोवर में मोती चुग रहे हैं। उन्हें जल क्रीड़ा में इतना आनंद आ रहा है कि उन्हें अब यहाँ से उड़कर अन्यत्र कहीं भी जाने का उनका मन नहीं है। आशा यह है कि जो प्रभु के भक्ति में लीन हो जाते हैं, जिनको प्रभु की प्राप्ति हो जाती है, उसको और कहीं भी बाहरी कुछ भी अच्छा नहीं लगता, बस उसको उसी में रमे रहना अच्छा लगता है। इस दोहा से हमें यही जानकारी मिलती है। अब दूसरा है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय। उनका कहना है कि जब कबीर कहते हैं किसी सच्चे प्रभु प्रेमी को खोजने निकला है, जो सत्य के जिज्ञासु होते हैं, जिन्हें ईश्वर प्राप्त करने का मन में लालसा होता है, वो सत्य के तरफ ही खोजते हैं, सत्य को खोजने चलते हैं। वो प्रेमी को ही खोजते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई। वो बोल रहे हैं कि जब मैंने प्रेमी को ढूंढने निकला तो मुझे कोई प्रेमी नहीं मिला, क्योंकि बड़ी मुश्किल से प्रेमी, ईश्वर प्रेमी मिलते हैं। जगत प्रेमी, संसार के प्रेमी हमें हर जगह मिलेंगे, पर ईश्वर प्रेमी हमें इतने आसानी से नहीं मिल सकते हैं। इस दोहा में उन्होंने यही आशय प्रकट किए हैं, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब इस अमृत होए।
जब प्रेमी को प्रेमी मिल गए, जब कोई जिज्ञासु साधक को वह चीज मिल जाता है जिस चीज की प्राप्ति करने के लिए वह रात दिन एक करता है, प्रेमी को जब प्रेमी मिल जाता है तो सब पाप पुण्य में बदल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उनकी सारी दुर्भावनाएं समाप्त हो जाती है और मन एकदम पवित्र हो जाता है, मन उसी में रम जाता है और सब विष जो है वह अमृत के समान हो जाता है। अब तीसरा है पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलाए, निरफक होए के हरि भजे सोई संत सुजान। कह रहा है कि पक्ष विपक्ष के कारण जो है आज संसार में पक्ष विपक्ष इतना हो गया है, पार्टीवाद इतना हो गया है, हम इस पक्ष में, हम उस पक्ष में, हम इस जाति के, हम उस जाति के, इसके चक्कर में हम लोग ईश्वर को भुला दिए हैं। सच्चा निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। कह रहा है कि जो निष्पक्ष भाव से, निष्पक्ष होके जो हरि को भजता है, ईश्वर को भजता है, वही ईश्वर का सच्चा संत होता है, वही ईश्वर का सच्चा भजन करता है। इस दोहा में हमें यही जानकारी मिलती है। अब तीसरा दोहा ये है इनका, चढ़िए ज्ञान की हस्ती, मतलब हाथी बोला गया है। हाथी कबीर साधकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे साधकों, तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहज समाधि रूपी आसन बिछाकर निश्चिंतता से चलो, यानी निश्चिंत रहो, सहज दुलीचा डार, आप उस पे आसन डार के बैठ जाइए। स्वान रूप संसार है, यह संसार जो है स्वान रूप है, कुत्ते के जैसे इस संसार को बोला गया है। संसार के लोगों को कुत्ते कह के संबोधित करते हैं कबीरदास जी। उनका कहना है कि जब हाथी चलते हैं तो कुत्ते देखते हैं, पीछे पीछे भौंकने लगते हैं। उसी तरह जब कोई ज्ञानवान व्यक्ति जब सच्ची राह पर चलता है तो अनजान व्यक्ति जो होते हैं, अज्ञानी जो होते हैं, वो उनके पीछे पीछे भौंकते हैं, उनको गलत कहते हैं, बहुत तरह से उन्हें प्रताड़ित किया जाता है समाज से, तो उस पर आप ध्यान नहीं दो। अब अगला है, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीवता जो दुहू के निकट ना आए। हिंदू जो है वो राम राम कह करके, हिंदू राम राम कह के मर जाता है और मुसलमान जो है वो खुदा खुदा रखते हुए इस संसार से विदा हो जाते हैं, पर उन्हें कुछ भी मिलता नहीं है। जो असली ज्ञान है, जो असली चीज प्राप्त करने के लिए संसार में आया है, वो उसे प्राप्त नहीं होता है। वो लोग केवल राम और खुदा के चक्कर में ही संसार से विदा हो जाते हैं। कहे कबीर सो जीवता जो दुहू के निकट न जाए। कह रहे हैं कबीर दास जी कि उन्हीं का जीवन सच्चा जीवन है जो ये दोनों के झमेला में नहीं पड़ता है, राम रहीम इसके झमेला में नहीं पड़ता है, क्योंकि ईश्वर जो है वो एक होते हैं, वो कोई जाति पाति में बंधे हुए नहीं है, ना वो मुस्लिम के हैं ना हिंदू के लिए अलग हैं, वो सबके लिए समान है। अब अगला है, कावा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जी। कबीर कहते हैं, जब मैं हिंदू मुस्लिम के भेदभाव से ऊपर उठकर निष्पक्ष हो गया, मेरे लिए मुसलमानों का पवित्र तीर्थ कावा काशी के समान हो गया और गया राम गया हो गया और राम का नाम रहीम के समान पवित्र हो गया। जिसे मैं मोटा आटा कहकर अखाद्य समझता था, वही मेरे लिए बारीक मैदा के समान हो गया। मतलब कहना इनका ऐसा यह है कि धार्मिक भेदभाव के नष्ट होने पर जब मेरे मन में ये धार्मिक भावना जग गई, तब मेरे अंदर से सारा भेदभाव मिट गया
और मैं हिंदू मुस्लिम के झमेले से ऊपर उठ करके मैं ईश्वर से एकाकार हो गया। ऊंचे कुल का जन्मिया जो करनी ऊंच न होए, सुगरन कलश सुरा भरा साधु निंदा होए। कबीर दास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से ही कोई ऊंचे नहीं हो जाते हैं। कोई अगर राजा का लड़का हो या कोई बहुत बड़े धनाढ्य हो, उस कुल में अगर हम पैदा हो गए तो उससे हम कोई बड़े नहीं हो जाएंगे। इसके लिए हमें अच्छे कर्म करना चाहिए। जिस तरह से सुवर्ण कलश मतलब स्वर्ण कलश में अगर उसमें सुरा मतलब शराब, अगर स्वर्ण के पात्र में अगर शराब भरा रहता है तो साधु इसकी निंदा करते हैं। उस स्वर्ण का परख नहीं किया जाता है कि यह स्वर्ण है, उसमें क्या है, उसके अंदर शराब भरा हुआ है। यानी सुंदर शरीर तो है पर विष के जैसा, जहर के जैसा उनका मनोवृत्ति है। उनके मन में वह जहरीला तत्व भरा हुआ है जो उसके शरीर को खोखला दिन प्रतिदिन करते जाएगा। इस साख्या में मुझे यही आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत की हूँ। अगला मैं दूसरे एपिसोड में करूँगा।